आज हम लोगों को पहचान मिला है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विरोधी परेशान कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको उसका करारा जवाब उन्होंने दिया है। झारखंड सरकार ने कैबिनेट में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता 27% ओबीसी, 28% आदिवासी, 12% दलित आरक्षण बिल को कैबिनेट ने पारित कर दिया है। इसे लेकर मुसाबनी प्रखंड के झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। गुरुवार को उन्होंने गाजा बाजा के साथ पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच मांदर की थाप पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता झूमते नजर आए। उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। आज एक ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। 1932 का खतियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारित करा दिया कैबिनेट से। तमाम लोगों की राजनीति खत्म हो गई जो खतियान को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड की जनता के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। हम सभी उनके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आरक्षण के लिए भी 27% आरक्षण ओबीसी के लिए भी उन्होंने कर दिया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सभी जश्न मना रहे हैं, पूरे राज्य में खुशी की लहर है। कल रात से चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, अबीर गुलाल से लोग खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विरोधी परेशान कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको उसका करारा जवाब उन्होंने दिया है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस के विधायक काबल जो है, इस नीति से नाराज है। देखिए, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। जो हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था माननीय गुरु जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज वो पूरा हुआ है। पूरे झारखंड की जनता इससे देखिए 22 साल के बाद आज हम लोगों को पहचान मिला है। और ये जो पहचान की लड़ाई थी हमारी, जो सम्मान की लड़ाई थी, उस पहचान और सम्मान को लेकर आज हम लोग इस झारखंड में अपनी राज अबुआ दिशो और अबुआ राज का निर्माण हो गया। कोई विरोध नहीं है, खतियान ही हमारी पहचान है। बीजेपी के पास अब कोई बात रह नहीं गया। खतियान ही हमारी पहचान और 27% आरक्षण। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।